अपना बात रखे। अब पुखरिया गांव में छोटा मुल्डिया पंचायत में क्या काम हुआ नहीं हुआ मुखिया जी भी आप बताएं, और इधर भी हमारे सन बड़े भाई वो भी अपना मेरा प्रति हमारा क्या है, मेरा रान सान हुआ, मेरा क्या व्यवहार है वो बताएं आप लोग को। उसी तरह देखिए नेता चुनके जाता है, हम नेता ही से शुरू करेंगे, ये मत सोचिए आप भी नेता है, हम आपके भाई है चाचा है, लेकिन जहाँ नेता बनने का वहाँ नेता बने, लेकिन गांव में आपका भाई है। नेता कहाँ बनना चाहिए, वो कुर्सी में बनना, गांव में आपका भाई है। तो अभी चुनाव पहुंचा है, नेता लोग भाषण मारने बहुत आ रहा है, आएगा भी, और आप लोग मेरा कार्य किए हुए, मेरा काम किए हुए, आप ही लोग का गाँव के ही मुखिया भी आप ग्रामीण लोग भी देख रहे हैं, जान रहे हैं हमने क्या किया नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा यही है कि अभी 2 साल 1.5 साल जो भी कोरोना काल में हम लोग का समय बीत गया, उसमें बहुत सारा काम नहीं हो पाया, लेकिन 3-3.5 साल में हम लोग प्रयास किया काम करने का। जैसे अभी मुखिया मैडम बोली, उसका पति रेंगसो भी थे, और ग्रामीण लोग हमारे यहाँ बहुत लोग गए थे, आप लोग ग्राम सभा करके गए थे, हमारे यहाँ बात रखे आप लोग, ये समस्या हम जान रहे थे, ये रोड खराब है, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं जान रहे, लेकिन आप लोग की तरफ से एक आवेदन आया, हमने आवेदन को स्वीकार किया, और उस आवेदन के माध्यम से हमने तुरंत रांची में ये लेटर बनाया, भाई ये रोड बहुत समय से खराब है और इसको बनना बहुत ज़रूरी है, और उसको स्वीकृति बहुत जल्दी भी मिल गई हम लोग, तो काम हुआ। आजकल आप बहुत लोग बोलते भी है, नहीं आजकल हम लोग आते हैं तो 10-15 मिनट लगता है जगन्नाथपुर, थोड़ा सा खाली मालुका से जगन्नाथपुर खराब है, बोला था नहीं वो भी हो जाएगा, हम बोले उन लोग का, लेकिन हम कुछ दिन में इसको हम कर भी दिया, अभी काम भी चल रहा है, आप लोग देखे होंगे मालुका से जिंतुगढ़ा होते हुए हमारा गाँव होते हुए डीपा साहब, तो डीपा साहिब वो गली भी वो जो खेत होके जो तालाब होके जाते हैं उसको भी हमने करा दिया। डीपा साहिब वाला लोग हम जब बाइक में उधर जिंतुगढ़ा आते हैं ना, तो बाबू हमार रोड इतने खराब पूछे हमार रोड तो नहीं बुनाई दूची बोलता है, वो भी बन जाएगा, उसको भी हमने सेंशन करा दिया, अभी वो भी चल रहा है, गार्ड वाल सब बना, बरसात के चलते थोड़ा सा काम रुक गया, लेकिन हम लोग को यही जब तक रोड पुल पुलिया नहीं बनेगा तो संपर्क टूट जाएगा, तो गांव का विकास कहां से होगा, बहुत सारा समस्या हो जाता है ना, आप किसी पेशेंट को ले जाना, किसी कोई आपका मेहमान आना, शादी ब्याह होना, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आ पाएगा, बहुत परेशानी है, इसलिए जब तक इस रास्ता का दुरुस्त नहीं होगा तो गांव का विकास नहीं होगा। आप दुकान भी खोलिएगा ना गांव में, तो रोड वहाँ नहीं है तो वो दुकान में खरीदने वाला कोई नहीं आता है, यही सब चीज़ है। और देखिए हमारे सरकार जो है ना, जब 2019 से अभी आया सरन जी, हमारे इस राज के प्रति, इस राज की जनता के प्रति जो विचार बनाया, और वो छिपा हुआ चीज़ नहीं है, आप लोग के सामने ये चीज़ हुआ, जो प्रखंड से पंचायत तक में जो शिविर लगवाया गया है आपकी सरकार आपके द्वार, तो जो कार्यक्रम लगाया गया इसमें भी बहुत लोग को लाभ मिल गया, हम लोग को जो पेंशन छूटा हुआ है, जो आवास छूटा हुआ है, बहुत सारा चीज़ यहाँ से आप लोग को, महिला समूह हो या बहुत चीज़ को यहाँ जानने को मिला। शिविर में जो अलग अलग जो रूम बनाया हुआ था ये, उस पर बहुत सारा चीज़ उसमें दिया हुआ था, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, सब चीज़ वहाँ से यहाँ का लोग को जागरूक हो गया, ये शिविर हमको लगता है।